बैक टू माई चैनल। सो आज से नवरात चालू हैं और मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखें और आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी हों ऐसे ही हर रोज़, और मुझे अपना प्यार ऐसे। इसे मेरा मंदिर है और आप माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। नवरात्र आ चुके हैं और माँ आ चुकी हैं, तो मैं माँ से यही कहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद आप सब पे। यहाँ पे आज नवरात्र, आज पहला व्रत है मेरा, तो यहाँ पे माता रानी का भोजन आ चुका है। तो यहाँ पे पकौड़ी है, यहाँ पे ये लौटी थी सब्जी है, और ये ब्रेड थे दही की पकौड़ी है, ये खीर है, और ये ठट्टे आलू की सब्जी है, और साथ में पानी है। तो गाइस मैं आपसे खाने थे बैक टू माई चैनल। तो अभी ये अभी शाम है और माँ ने अभी ये मैगी बनाई है मेरे लिए, और एक प्लेट आप सबके लिए है, आप सब खाइए, और ये दूसरी प्लेट जो है वो मैं मेरे लिए है। फिर मैं खाता हूँ मैगी और फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में खाने के बाद। अपने लिए जूता में आप लोग भी चलते हैं, शोरूम रिलैक्सो, और यहाँ पे ये सब शूज मैं अपने लिए लेने आया हूँ, और देखते हैं फिर क्या होता है, जैसे होता है जैसा साइज मिलता है या नहीं मिलता है। गाइस मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ कैसे लूँ, अब देखिए क्या होता है। अभी साइज बोला है मेरे तो 7 नंबर रहता है जूते में, तो अब देखते हैं स्पोर्ट्स वाला दे या मुझे 2 शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स वाला 1 लेदर का, तो स्पोर्ट्स वाला देख रहे हैं अभी, लेदर वाला भी देख रहे हैं। इसमें ये अपने लिए चप्पल लाया था, मुझे जूता वगैरह समझ में नहीं आया था, तो मैंने आज पहनी है, और आज थोड़ी बहुत गंदी भी हो रही है फिलहाल, तो गाइस में ये लाया था फिर स्लीपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, और मैं आपसे स्कूल से आने के बाद मिलता हूँ आपसे। मेरा यहाँ पे नाश्ता आ चुका है, दूध, जलेबी, समोसा और साथ में चटनी। सो मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। Thank you.
Thank you.